नमस्कार सत्या सलाम एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राहुल बुक ब्लॉग्स। क्या हाल है आप सभी के? तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आ चुका हूँ आपके सामने। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टाइटल आपने पढ़ ही लिया मुझे पता है। सो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं अपनी वीडियो। डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द लाइक बटन। लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लेंगे अपना बेसन, और इस बेसन में डालेंगे हम थोड़ा सा चावल का आटा। चावल का आटा एक अलग सा क्रंचीनेस देगा हमारे चिल्ले को। बाहर की जिसकी लेयरिंग होगी एक मस्त सा क्रंचीनेस मिलेगी अपने चिल्ले को। अब इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले। सबसे पहले डालेंगे इसमें रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्ची पाउडर। फिर डालेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और साथ में हल्की सी हल्दी, और ये डालेंगे हम सब्जी मसाला। और अब इसमें पानी डाल के इसे करेंगे अच्छे से मिक्स, एक पतला सा बैटर बनाएंगे इसका। और अब डालेंगे अपना पानी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बेसन है ना, तो क्या होता है जब पानी डालते हैं तो अंदर घाटे पड़ जाते हैं, तो हमें वो घाटे नहीं पड़ने देनी है। पानी डाल डाल के उसे फोड़ते रहना कंटिन्यूसली चलाते चलाते। थोड़ा सा और पानी डाला है तो इसके अंदर सारी घाटियाँ धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे हमें दबा दबा के चम्मच की मदद से। देख सकते हैं अभी हमारा बैटर थोड़ा थिक है, तो इसमें पानी डाल के इसे थोड़ा और पतला करेंगे, थोड़ा थिन कर लेंगे। पानी ज़्यादा नहीं मत करना, थोड़ा थोड़ा करके डालना ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो हल्की हल्की लिक्विड रहे, थोड़ी सी सॉलिड रहे। बिल्कुल गाढ़ा भी नहीं चाहिए लेकिन बिल्कुल ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल पानी जैसा। जैसे कि देख सकते हैं इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए हमारा बैटर। गैस पर रख लिया हमने फ्राई पैन, और गैस करेंगे हम ऑन, और इसको करेंगे हम अच्छे से ग्रीस। इसे कर लिया अच्छे से ग्रीस। डालेंगे कटे हुए बारीक कटे हुए टमाटर, बिल्कुल बारीक काट रखे हैं। बारीक कटी हुई शिमला मिर्ची, आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक काट रखा हमने इनको। और साथ में डालेगा इसमें कटे हुए बादाम, इन्हें बारीक बारीक काटेंगे हम। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन बारीक काटने से क्या होगा ना, आपके मुँह के अंदर अच्छे से आएंगे ना, जब ये क्रंचीनेस इनकी अलग से फील होगी। तो हम इसमें कुछ 4 से 5 बादाम डालेंगे बारीक बारीक काट के। और अब डालेंगे हम इसमें कुछ रोस्टेड मूंगफली यानी कि पीनट्स, और इन्हें फ्राई करेंगे। और अब इसके अंदर बॉयल्ड आलू का मिक्सचर, एक्चुअली इसमें आलू और प्याज दोनों ने मिक्स करके डाल रखे हैं थोड़ी सी हल्दी और नमक के साथ, ये भी साथ में जाएगा इसके। और इन्हें हम हल्का हल्का फ्राई करेंगे इन्हें पैन में। बादाम की क्रंचीनेस और मूंगफली की क्रंचीनेस मिलेगी अपने पीनट चिल्ले को, भरवा चिल्ले में एक्चुअली में। तो ये उसका मिक्सचर तैयार कर रहे हैं जो हम बीच में फिल करेंगे स्टफिंग। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हल्के हल्के फ्राई होने लग चुके हैं। तो अब डालेंगे हम इसमें फूल गोभी, हल्की हल्की बारीक बारीक काटना है इसका, जो बोलते हैं ना हम कॉलीफ्लावर राइस, वो लेने हैं एक्चुअली में, हल्के हल्के ऊपर के उतार लेने हैं। चलाएंगे नीचे कम करने से थोड़ा थोड़ा, क्योंकि इसके अंदर बॉयल्ड आलू है तो वो नीचे चिपकने की अगर करेगा, अगर नीचे चिपकने लगे तो आप गैस को थोड़ा लो फ्लेम पे कर सकते हैं। और इसको अब हल्का सा पानी का छींटा मार के हम पकने के लिए छोड़ देंगे। तो इसे हम हल्की हल्की आँच पे पकाएंगे, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, बस तो हल्की सी आँच लगानी है, इसे गर्म टाइप करना है। ये हमारी स्टफिंग बन के हो चुकी है तैयार, बिल्कुल 1 से 2 मिनट के अंदर झटपट बन जाएगी। फिर हमें लेना है अपना बैटर जो हमने बना के रखा हुआ है, और उसको डालेंगे। और इसको बीच में गैस पर क्लीन कर दिया हूँ, अब इस तवे को हम करेंगे अच्छे से ग्रीस एक ब्रश की मदद से। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो अब इस पर डालेंगे हम अपना चिल्ले का बैटर, और इसे एक चम्मच की मदद से धीरे धीरे क्लॉकवाइज घुमाते हुए फैला दें। ध्यान रखें एक ही डायरेक्शन में घुमाएं, दूसरी डायरेक्शन घुमाने से ये चिल्ला हमारा फट सकता है। फिर साइड से इसके किनारों को करेंगे ग्रीस, हल्का हल्का ऑयल डालेंगे ताकि जो इसके किनारे हैं वो परफेक्टली पक जाएं और वो अपने किनारे छोड़ दें। फिर हम पलटेंगे मदद से इसे पलट पाएंगे अच्छे से। मतलब एक तरफ से देखें किनारे छोड़ चुका है, इसका मतलब ये साइड से पक चुका है। तो अब इसे हम अच्छे से पलटेंगे मदद से पलट देंगे। तो आप देख सकते हैं क्या प्यारा कलर मिला हमारे चिल्ले को। ये हमारा एक तरफ से एकदम गोल्डन फ्राई हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है चमार चिल्ले का। तो इसे हम दूसरी तरफ से भी फ्राई होने देंगे।
का आटा था ना वो एक इसको अलग सा ही क्रिस्पीनेस देगा, क्रंचीनेस देगा। ये चावल का आटा बहुत ही वो होता है एकदम कुरकुरा सा, तो उसके कारण इसे एक अलग सा कुरकुरापन मिलेगा। और इसे हम खाएंगे अपने टमाटो केचप के साथ। देख सकते हैं दूसरी तरफ से भी अच्छे से पक चुका है। इस पे हम अपनी स्टफिंग जो हमने थोड़ी देर पहले तैयार करी उसको अच्छे से फैला देंगे इसके अंदर। और अब इसे पलटे की मदद से हम पलटेंगे। पहले अच्छे से फोल्ड करेंगे इसको, दो फोल्ड करेंगे उधर से और वापस से एक और फोल्ड। ये हमने दूसरी तरफ से भी इसे अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब पलटे की मदद से भी इसे हल्का हल्का हाथ से दबा देंगे। ये खुलेगा उससे पहले आप इसे एक बार पलट दीजिए। अभी दूसरी तरफ से जब पक जाएगा तो ये खुलेगा बिल्कुल भी नहीं। आपका एकदम मुँह में पानी आ रहा है अभी से, आपका भरवा चिल्ला एकदम बन के तैयार हो चुका है। आएंगे अपनी प्लेट में और इसका आनंद उठाएंगे अपने टमाटो केचप और हरी मिर्ची के साथ। देखने में कितना यम्मी लग रहा है यार, मज़ा आ गया देख के। टमाटो केचप और नारद मूंगफली की चटनी और साथ में अपना भरवा चिल्ला। इसका टर्न करते हैं और ये देखिए इसके अंदर क्या स्टफिंग, कितनी। जैसे ही मैंने इसे खोला है ना पूरे रूम में ना इसकी स्मेल हो गई, बहुत ही टेस्टी खुशबू लग रही है। अब मेरे से वेट नहीं हो रहा, मैं जल्दी से खाता हूँ, बताता हूँ मैं खा रहा हूँ इसको जल्दी से। बहुत ही सॉफ्ट और लेकिन बाहर से इसका क्रिस्पीनेस सुन सकते हैं, इसकी आवाज़ बिल्कुल करक करक आवाज़ आ रही है। जो क्रंची बना है ना ये सब चावल की आटे का कमाल है। इसे हम लगाते हैं केचप में और अब इसका लुफ्त उठाते हैं। क्या क्रंची बना है, मज़ा आ गया। सो बहुत ही अच्छा है, स्टेप बाय स्टेप पूरा अच्छे से फॉलो करोगे तो बहुत अच्छा बनेगा और आप भी ऐसे ही मज़े उठाएंगे। मैं इसको ख़त्म करता हूँ और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी बनी है। बाय, टेक केयर, साइन ऑफ।